कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए, भगवान राम माँ जानकी और छोटे भाई लखन के साथ प्रभु वन के लिए प्रस्थान किया। नदी पार जाना है, केवट की सहायता से पार उतरना चाहते हैं और वहाँ केवट और भगवान राम का संवाद देखिए कितना प्यारा है, कितना सुखदाई है। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, हर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हर्षाए, हर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु हाथ जोड़ कर प्रभु से बोले, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान केवट से कहने लगे, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ और पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी आजीविका का यही एक साधन है और मुझे पता है इन चरणों की महत्ता। आपने केवल अपने चरण से स्पर्श कर दिया शिला को तो नारी बन गई, वो पत्थर नारी का रूप ले लिया, अहिल्या बन गई। मैं क्यों न डरूं, आप मेरे नैया में चढ़ जाएंगे और मेरी नैया कहीं नारी बन गई तो कल से मैं क्या करूंगा। भगवान ने भक्त के भाव को भांप गए और कहने लगे कि केवट जो चाहते हो तुम कर लो। लेकिन केवट क्या कहता है, केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान जी कहने लगे कि
केवट जो तुम चाहते हो कर लो। केवट बोला केवट दौड़ के जल भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया और चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग बने। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान के भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और इस प्रकार से दोनों में वार्तालाप समाप्त हो गई, भगवान में और केवट में, और नाव अपनी रफ्तार से चलने लगी। चली नाव गंगा की धारा, हो चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा।